हेलो माय टू फैमिली। तो मैं आजाद लूँ अपने लिए बिल्कुल नई वीडियो लेते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, ब्रेथ वर्थ कैलकुलेशन इन 1000 स्क्वायर फीट एरिया। मेरे पास अगर स्क्वायर फीट एरिया है 40 × 25 = 1000 स्क्वायर फीट एरिया है मेरे पास। एंड दोस्तों आप लोग पता है ये हमारा प्लॉट है, इसका जो एरिया है वो 40 × 25 का है। एंड दोस्तों यहाँ पर हम जो अब अपना घर बनाने जाने वाले हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है गर्मी का, और समर में ही सबसे ज़्यादा जो घर होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोग बताने जाने वाला हूँ। अगर आपका जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट का है तो आप उसमें 9 इंची वॉल में और 4 इंची वॉल में कितनी ब्रिथ यूज होने वाला है वो मैं आपको आज बताने जाऊँगा। तो जैसे हम ब्रिथ कैलकुलेशन निकाले 1000, 1200, 1300 स्क्वायर फीट जितने भी आपका एरिया है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी आप लोग, एंड मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल मेरा। एंड दोस्तों चलते हैं अपने 9 इंची बॉल पर। तो पहली बात आती है मेरी 9 इंची बॉल। मैं अपने प्लॉट में मतलब अपने हाउस में जब मैं बनाऊँ तो उसमें 9 इंची की बॉल आउटसाइड रहेगी, 4 इंची की बॉल इनसाइड रहेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है आपकी ड्राइंग में कितनी है 9 इंची 4 इंची। मैं बता दूँ 9 इंची बॉल में मेरा पैरीमीटर है जो होता है 2 + 2 × L + B, तो 2 × 40 + 25। तो मेरे पास जो पैरामीटर आया वो आया 130 फिट। एंड दोस्तों यहाँ पे जो हमारी जो हाइट होने वाली है, जो रूम की जो हाइट होने वाली है वो है हमारी हाइट अबाउट DPC डैम प्रूफ फ्लोर्स 10 फिट। और दोस्तों मैंने यहाँ पे लिए बिलो प्लिंथ लेवल जो लिया है मैंने वो लिया है 2 फिट, तो टोटल हाइट हुई मेरी 12 फिट। एंड दोस्तों मेरे पास आता है एरिया, तो यहाँ पर एरिया जो आया है वो आया पैरामीटर इंटू टोटल हाइट, मतलब 130 फिट × 12 फिट 1560 स्क्वायर फीट मेरे पास आ चुका है। एंड दोस्तों वी नो डैट इन 9 इंची वॉल, हम जानते हैं 9 इंची की वॉल में 9 नंबर ऑफ ब्रिथ आर यूज पर स्क्वायर फीट। 9 इंची की वॉल में जो हमारे पास जो एवरेज आता है वो आता है 9 नंबर ऑफ ब्रिथ आर यूज पर स्क्वायर, मतलब पर स्क्वायर फीट में 9 ब्रिथ यूज होती हैं हमारी। तो दोस्तों नंबर ऑफ ब्रिथ इज इक्वल टू 156 यहाँ पे, एंड दोस्तों इंटू 9, तो मेरे पास यहाँ पे आई 14040 नंबर ऑफ ब्रिथ। तो दोस्तों 14040 ईंट मेरी यूज होने वाली हैं 9 इंची की वॉल में, मतलब मेरे पास जो प्लॉट है वो 1000 स्क्वायर फीट इतना है। तो एंड दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ 4 इंची वॉल के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आता है मेरे पास 4 इंची वॉल। तो 4 इंची वॉल में भी सेम प्रोसीजर है मेरा, पैरीमीटर इज इक्वल टू 40 फिट + 25 फिट इज इक्वल टू 65 फिट। एंड दोस्तों यहाँ पे एरिया जो आ रहा है मेरे पास 65 फिट × 10 फिट, एंड दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू 650 स्क्वायर फीट हो गया मेरे पास एरिया। तो दोस्तों हमें पता है वी नो डैट 4 इंची की वॉल में 4.5 नंबर ऑफ ब्रिथ आर यूज इन पर स्क्वायर फिट, तो मतलब 4 इंची की वॉल में 4.5 ब्रिथ यूज होती है पर स्क्वायर फिट में। दोस्तों मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिथ इज इक्वल टू 650 × 4.5, तो मेरे पास ये आ जाती है वैल्यू 2925 नंबर ऑफ ब्रिथ मेरी यूज होने वाली। तो दोस्तों मेरे पास 4 इंच और 9 इंच में टोटल जो 8 यूज होने वाली है ब्रिथ यूज होने, टोटल ब्रिथ इज इक्वल टू 14040 + 2925, तो मेरे पास जो रिजल्ट लेंगे वो आई है 16995 नंबर ऑफ ब्रिथ। तो इतनी मेरी ईट जो है 1000 एरिया स्क्वायर फीट में यूज होने वाली है। तो दोस्तों यही थी मेरा इसकी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल मेरा। एंड दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।